ग्वालियर में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके एक युवक की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। मृतक पेशे से किसान था और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में इन्वेस्ट करता था। आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और हथियार लहराकर मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र की है। वहीं महाराजपुर गांव के रहने वाले सुनील गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुनील गुर्जर प्रॉपर्टी का भी काम करता था और इसी सिलसिले में वो पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया से तकादा करने पहुंचा था। यहां पुष्पेंद्र से उसका विवाद हुआ, जिसके बाद पुष्पेंद्र और उसके आधा दर्जन साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सुनील की गोली लगने से मौत हुई। देखिए, अभी ये लगभग पांचवी घटना है जिसमें मृतक सुनील गुर्जर हैं। ये यहीं के महाराजपुरा के रहने वाले हैं। अभी जो परिजनों से बातचीत हुई है और जानकारी मिली है कि जो संदेह इस केस में है उनका और सुनील का कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट थे, प्रॉपर्टी के विवाद थे। उसको जो पैसा इनका फंसा हुआ था उसको मांगने के लिए यहाँ आते थे, संभवतः उसी के कारण ये घटना हुई है। भदौरिया है और उसके साथ ये 5-7-8 लोग हैं और उन्होंने ये मतलब केस किया है। उन पर दाम पैसा था, इस चक्कर में ये किया, मांगने आया था और इस चक्कर में ये घटना हुई। मृतक अपना भाई है सुनील गुर्जर का, ये भी अपने खेती किसानी करते थे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का भी काम करते होगा। अब ये क्या पता, हो भी सकता है 40 बड़ा ही लेन देन होगा जब मतलब ये घटना हुई है।